हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपको सोशियोलॉजी का पूरा पेपर समझाने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे आपके अंदर। एंड तक वीडियो देखते थे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है। आप पेपर को लेकर बिल्कुल जो स्ट्रेस ले रहे हो नहीं लोगे। एज यूजुअल मैं हमेशा कहती आई हूँ और मेरे बच्चों के साथ होता भी है। एक बार वो मेरी वीडियो देख लेते हैं, उनका मतलब कहते हैं ना कि पेपर, वो कहते हैं कि 2 दिन बाद के आज ही ले लो, हम प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग्स आपके अंदर आज की वीडियो को एंड तक देखते देखते आ जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे कि पेपर में क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या पढ़ के नहीं जाना है, और पूरी बुक में से पूरी बुक आ रही है या कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, सारा आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जरा भी स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे समय रहते। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक बटन पर क्लिक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एनआईएच की तरफ से जारी की गई एक लिस्ट है जिसमें आपको कंफर्म कर दिया गया है कि आपके पूरे चैप्टर नहीं आने वाले। ठीक है, तो 20 चैप्टर्स जो हैं आपके एग्जाम में आपसे उसमें से आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं आपको आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको प्रिपरेशन आपकी कैसे करनी है। हमें हार्डवर्क करनी है नहीं करना फ्रेंड्स, हमें करना है अब इस टाइम पर स्मार्ट वर्क, क्योंकि टाइम है बहुत कम और जो बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे उन्हीं का रिजल्ट देखिएगा आगे चल के बेस्ट आता है ना। तो सारे टिप्स मैं आपको देती चलूँगी, आपको बस चैनल के साथ एंड तक बने रहना है, सॉरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। चैनल के साथ तो आप ऑलरेडी बने हुए ही हो, अपना प्यार सपोर्ट दे ही रहे हो, उसमें नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो ये देखिए, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें से टीएमए आपका 40 मार्क्स का आता है और आपका पब्लिक एग्जामिनेशन जो अब आप जाके दोगे वो 60 मार्क्स का आता है। आई होप आपने टीएमए सबमिट कर दिए होंगे आपके अपने अपने, है ना। तो 40 मार्क्स आपके वहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो 40 मार्क्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे होता है आपका 40% जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, और जो 60% सिलेबस जो बचा है वो आपका इस एग्जाम में उसमें से पेपर में आएगा। तो आपके टोटल अगर यहाँ पे देखें तो आपके टोटल लेसन है फ्रेंड्स 35। ठीक है ना, तो 35 में से 15 लेसन आपके टीएमए में ही कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बुक, जिनके पास बुक है ना, वो बुक देख लेंगे मोटी मोटी कैसे होगा कैसे होगा, तो ऐसे होगा वो 15 चैप्टर वहाँ से डिलीट कर दो अपने माइंड से, पढ़ने ही नहीं है वो आप लोगों को। ठीक है, और जो ये 20 चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको प्रीवियस, मैंने जो वीडियो डाली है सोशियोलॉजी का, आई थिंक 2-3 वीडियो मैंने डाली है, उसमें मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, कितने अच्छे अच्छे टॉपिक सारे मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप एक बार जरूर देखिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखी, पहली बार फर्स्ट टाइम जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले मेरी वो वाली वीडियो देखो, तब जाके आप इसमें आना, और तब आप देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है। ठीक है, तो उनको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा यार हमें तो बहुत कुछ आता है। अब आप ये वाली वीडियो देखोगे तो यहाँ से आप सीखोगे आपको आगे स्मार्ट वर्क कैसे करना है। हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क जो बच्चे करते हैं ना वही बच्चे याद रखना टॉप करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो ये सारे मैंने आपको बता दिया है, ये आपके सारे टॉपिक्स हैं। अब जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं आप देख रहे हो, आपको जो राइट साइड में उसको उस टेबल को देख के चलना है जिसमें 20 लेसन्स लिखा है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो लेसन नंबर 3 आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेसन नंबर 3 आपको करना है, लेसन नंबर 4 करना है मेथड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कम्युनिटी एसोसिएशन। देखो कम्युनिटी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले वीडियो जो डाली उसमें डाला है, कम्युनिटी में क्या क्या आ जाता है, समुदाय में फ्रेंड्स क्या क्या आता है, आपके स्कूल्स आ जाते हैं, आपके मतलब सोसाइटी में और भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, वो आ जाती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स, ये सब कम्युनिटी के ही हमारे पार्ट हैं। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चा है ना, सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ वो कहाँ से सीखा अपने समाज के बारे में, कैसे पता चला, कौन समाजीकरण में उसकी पहले हेल्प कर रहा है, सबसे पहले माता पिता, उसका परिवार। क्योंकि छोटा बच्चा एकदम पैदा होते तो बाहर चले नहीं जाएगा, आ जाओ मुझे बताओ मेरे समुदाय में क्या क्या है, समूह में क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है वातावरण में, कुछ नहीं पता। वो अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से सब कुछ सीखता है। उसके बाद बच्चे का सेकेंड जो होता है वो होता है स्कूल। स्कूल से बच्चे का जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फैमिली में 4, 5, 8, 10 लोगों के कांटेक्ट में रहा है। ठीक है ना, लेकिन स्कूल में
उसको कई सारे लोग मिले हैं, अलग अलग प्रकार के लोग मिले हैं, अलग अलग धर्मों के लोग मिले, उसके फ्रेंड्स बने हैं जो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका व्यवहार है, टीचर्स मिले हैं, प्रिंसिपल्स मिले हैं, और भी अदर्स लोग से वो कॉन्टैक्ट में आता है, तो वहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब समाजीकरण। समाजीकरण मैं आपको समझा चुकी हूँ, प्लीज़ वीडियो, इसलिए मैं कह रही हूँ यार पहले वो वीडियो ज़रूर देखना और उसके बाद यहाँ पर आना, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हो ना, इसको देख के आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अभी भी मैं बोल रही हूँ, आपने सुना मैंने क्या बोला, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके पहले आप देखना जो मेरी प्रीवियस वीडियो डली है, उसके बाद इसमें आना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल ग्रुप, देखो ग्रुप मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन मैंने डाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सारी चीज़ें आपको आती है, आपको बिल्कुल, अभी देखो मैरिज से रिलेटेड आ गया, फैमिली से रिलेटेड आ गया, ये सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं। ये उन बच्चों के लिए जो मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि मैम प्लीज़ सोशलाइजेशन का पेपर आने वाला, हम क्या करें। देखो आपको कुछ नहीं करना भैया, प्रीवियस वीडियोज़ देखो और ये देखो कि कैसे आपको पढ़ना है। आपके पास अगर बुक है ना तो इन चैप्टर्स को देखो, मेरी वीडियोस को देखो और उनके बाद इन चैप्टर्स को देखो। अगर कोई डाउट है, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, उसके बाद आपको एग्जाम से पहले मैं वो आंसर समझा दूंगी, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है। उसके बाद देखो सोशल आपका ये आ गया, हायरार्की आ गया, डिफरेंशिएट आ गया, ठीक है, इनइक्वालिटी आ गया, सब समझाया हुआ है फ्रेंड्स। फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव के फैक्टर्स क्या क्या हैं, कैसे सामाजिक बदलाव आ जाता है भैया, क्या क्या करोगे जो समाज में बदलाव आ जाए, बदलाव के लिए आप क्या क्या करोगे, ठीक है। देखो सोशलाइजेशन अभी मैंने समझाया, पहले बच्चा पैदा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसका सोशलाइजेशन जो होता है ज़ीरो होता है। जब वो दुनिया में आता है, आंखें खोलता है, सबसे पहला कॉन्टैक्ट होता है उसकी उसकी माँ से। आपने देखा ना बच्चा पैदा होते अपनी माँ की उंगली पकड़ लेता है, उसे पता है यही है मेरी जो कुछ है, ठीक है ना, इसी से मैं कनेक्टेड हूँ। पहले धीरे धीरे वो पापा को समझता है, धीरे धीरे वो अपने भाई बहनों को समझता है, दादा दादी सब पूरा परिवार आ गया। लेकिन फिर वो 2-3 साल का होता है, फिर उसको स्कूल डालते हैं, फिर उसका सोशलाइजेशन एकदम कहते हैं ना तेजी रफ्तार से, जैसे गाड़ी होती है ना, पहले गियर पकड़ती है, फिर धीरे 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 फिर स्पीड पकड़ लेती है, तो बच्चे का सोशलाइजेशन भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इससे अच्छा एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, फिर कॉलेज जाते हो आप लोग, फ्रेंड सर्कल बड़े बड़े होते रहते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, कोर्स करते हो, तो सोचो आपके अंदर कितनी नॉलेज आ चुकी होती है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, कितने धर्म है, कितनी जातियाँ हैं, कितनी लैंग्वेजेस हो। आज की डेट में मैं आपसे पूछूँ, आप बहुत अच्छे से ब्रीफ कर पाओगे, मैम ये होता है सोशलाइजेशन, तो हम तो इतना हम जानते हैं, मेरे कम्युनिटी में ये चीज़ें बनी हुई हैं, वो हमारे इस तरीके से हेल्प करती हैं, ठीक है ना। सोशल कंट्रोल फ्रेंड्स, समाज में कैसे कंट्रोल मतलब स्थापित करोगे आप, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने पुट किए गए हैं उन वीडियोस में। इंडियन सोसाइटी देखो, ट्राइबल हो गया, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, आपको बताइए ना, ये सब समझा रखा है मैंने आपको। 3 प्रकार की सोसाइटियाँ होती हैं आपकी, आप कौन से किससे बिलोंग करते हो, थोड़ा पिछड़ा हुआ है, थोड़ा मतलब सबल है, अच्छा है ना, तो रूरल उसे कहते हैं जो थोड़े से मतलब गांव के एरिया आ जाते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, दिल्ली में ही आपने कहीं देखा होगा तो गुड़गांव में एक अच्छा वेल सिटी भी आती है जहाँ पे लोग जॉब के लिए जाते हैं, एक थोड़ा गांव का एरिया भी आ जाता है जो पिछड़ा, आज भी लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मतलब पशु पाल रहे हैं, भैंस गाय रखी हुई है लोगों ने, तो हर जगह ये देखने को मिलता है। दिल्ली बहुत बड़ी है फ्रेंड, दिल्ली में 2 पार्ट्स आपको जरूर देखेंगे, एक गाँव का एरिया और एक शहर का एरिया, ठीक है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, आपको पता ही है कास्ट सिस्टम क्या क्या है इंडिया में ना। मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, मैंने अभी आपको बताया जो धार्मिक धर्म के नाम पे कम्युनिटी बनी हुई है इंडिया में, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका फ्रेंड्स पेपर आता है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक आप यहाँ तक देखते देखते तो आप समझ भी गए हो कि कितना आपको आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुछ मेजर सोशल प्रॉब्लम इंडिया, मैंने आपको बता ही रखी ना, समाज में आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप हम समाज में निकलते हैं, मतलब कुछ नहीं पढ़ रखा, देखो फ्रेंड्स मैं अभी इस टाइम बैठी हूँ, मेरे पास ना बुक है ना कुछ है, मुझे कुछ नहीं पता, बस अपना दिमाग ब्रेन थोड़ा चलाओ, तो वहाँ पे वही बच्चे मतलब कहते हैं ना स्कोर कर पाते हैं सोशियोलॉजी में। लास्ट टाइम भी मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत अच्छा पेपर करके आए। आप चाहें तो जो मेरी सोशियोलॉजी की वीडियोज़ हैं उसमें कमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बच्चों ने ये तक कह दिया मैम पेपर भी आप नहीं बनाया था क्या, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने उनके अंदर ना जो दबी हुई इन्फॉर्मेशन थी वो बाहर निकालने की कोशिश करी। अपना मन टटोलो, अपना ज्ञान मतलब सोचो, ये सोशलाइजेशन है, समाज के बारे में कौन बच्चा नहीं लिख पाएगा इसके बारे में, ये सोचो, ठीक है।
अब प्रॉब्लम बता दीजिए, कुछ नहीं पड़ा भाई, समाज में क्या क्या दिख रहा है भाई आपको? आज भी आप भ्रष्टाचार देख रहे हो समाज में, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। एजुकेशन का लेवल दिन प्रतिदिन मतलब घटता जा रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। बच्चे कई लोग स्कूल ही नहीं जा पाते, कई पेरेंट्स उन्हें भेज ही नहीं रहे। आप सड़कों पर ही देख लो, कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी मतलब उनके पेरेंट्स उन्हें काम पर लगा देते हैं, स्कूल नहीं भेजते, कहते स्कूल पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। पर कुछ ऐसे समाज करता है जो उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं और स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं, बुक्स दिलवा रहे हैं कि भाई स्कूल भेजो बच्चों को। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक समाज में, कहते रही मैं, जब तक आपने समाज को मतलब समाज की महिलाओं को शिक्षित नहीं किया ना, कहते हैं एक महिला 100 लोगों को शिक्षित कर देती है। तो औरतों को पढ़ाना आज की डेट में बहुत जरूरी है। औरतों की सोच ही अगर ये हो जाएगी ना, नहीं नहीं क्या करेगा, पढ़ के भी कमाना है और अभी भी कमाना है, तो तभी कभी बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे के फ्यूचर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ना माता ही निभाती है। वैसे पेरेंट्स तो पापा मम्मी दोनों हैं, लेकिन माँ की सोच बदलना पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ताकि वो अपने हस्बैंड को भी समझाए कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, आज मैं मान लो मैं बर्तन धो रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा भी बर्तन धोए, पैसा तो दोनों ही कमाएंगे, लेकिन ये काम मैं नहीं चाहती, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती मेरा बच्चा भी ये करे, मैं चाहती मेरा बच्चा मेरे से अच्छा काम करे। औरतों की सोच में भी हमें परिवर्तन लाना चाहिए, समाज को परिवर्तन करने, समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले हमें औरतों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए इन शॉर्ट में। तो अभी देखिए क्वेश्चन आएगा उनके बारे में भी, आगे आगे देखते चलिए, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आपके शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम आपको बतानी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम क्या होगा पता नहीं है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या क्या देखना पड़ता है, जो ST SC हैं उनके साथ क्या क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना योगदान दिया था इनको, इनका जो समाज में स्तर है वो अच्छा बनाया जाए, सब लोगों के मन में इनके प्रति भी सम्मान हो, इज्जत हो, घृणा की भावना खत्म हो जाए। आज भी तुम देखोगे गाँव में जाओगे ना, तो ऊँची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से घृणा का भेदभाव करते हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो पहली बात तो ये भावना आनी नहीं चाहिए अंदर। ST ST कोई बच्चा माथे में लगा के नहीं आता। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होते नहीं कहता अरे तो SC बन गया, मैं ST बन गया, मैं जनरल कैटेगरी का बन गया। उसे कुछ नहीं पता, वो दुनिया में जस्ट आया है। धीरे धीरे वो जानता है यार मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, या मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब धर्म वर्म बच्चा बाद में समझता है। और ये चीज़ कौन डालता है उसके मन में, ये बीज कौन बोता है? हम ही लोग, समाज, परिवार, ठीक है ना। तो जैसा परिवार अपने बच्चे को सिखाएगा, बच्चा वैसी सीखता है, उसी दिशा में चलता है। प्रॉब्लम्स ऑफ अदर डिप्राइव सेक्शन, अदर उन डिप्राइव सेक्शन की प्रॉब्लम्स बताओ आप, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखो इस रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, जरूर आप देखिएगा जरूर एक बार। हिस्टोरिकल कल्चर परस्पेक्टिव क्या क्या है भैया आपके, इतिहास और कल्चर बताइए, मैं कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बताइए आपको भैया, जो आपका जेंडर आपको पता ही है, लिंग भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अब इससे रिलेटेड मैंने कितने क्वेश्चन डाले हैं, अब एक बात बताओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो आप क्या बता नहीं पाओगे कि औरतों और आदमियों में क्या भेदभाव किया जाता है हमारे समाज में? आज भी हमारे समाज में औरतों को पर्दे के पीछे रखा जाता है, सब कुछ मतलब पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी धर्म आड़े आ जाता है, कभी जाति आड़े आ जाती है, कभी उनके रिचुअल्स आगे आ जाते हैं। हमारे में तो ऐसा नहीं होता, आपने सुना होगा कितनी भी पढ़ी लिखी बहू ऐसे घूंघट में रख के लिखेंगे, क्यों? हमारे में रखते हैं भाई, प्रथा है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड, और जो पुरुष हैं उनको कहीं भी आने जाने दिया रहा, वो रात को 12-12 बजे घर में आ रहे हैं, क्यों? आदमी है भाई, क्या होगा? औरत है 7 बजे घर के अंदर पैक हो जाओ, बाहर नहीं जाना, माहौल ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी सोच बदलेंगे तो सब बदलेगा। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाम का जो कीड़ा समाज में जो पनप रहा है ना, ये भी जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब देखो ये टॉपिक इंक्लूड ही क्यों किए हैं फ्रेंड्स, ये इंक्लूड ही इसलिए किए हैं ताकि आप जैसे लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, जिनको जिन तक ये नॉलेज आज भी मैं जो बता रही हूँ, कई लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो समझें और आगे जाके वो और एक एक लोग, आप देखो आप एक बंदे को तो बताओगे ना इसके बारे में, तो क्या हो सकता है उसका भी माइंड परिवर्तन हो। समाज में बदलाव लाने के लिए ही ये टॉपिक आपके सिलेबस में डाले गए हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कल्चरल कॉन्सेप्ट और ये आ गया, और इंडियन कल्चरल हेरिटेज आ गया, क्लियर है। तो इसी के साथ आपके फ्रेंड्स पूरे के पूरे चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं, जो आपके 20 चैप्टर हैं आपको यही पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा आप, ठीक है। कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ मैम अब हम कर लेंगे और हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर मुझे लगा ना कि कोई क्वेश्चन मिस है जो मैंने आपको नहीं कराया और मुझे कराना चाहिए, एग्जाम पर्पस में इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स आपको मैं एग्ज़ाम से चाहे 1 घंटे पहले वीडियो डालूँ मैं ज़रूर डालूंगी। और आपको पता है मेरी वीडियो अगर आप 1 घंटे पहले भी देखेंगे ना, तब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में फिर भी आंसर लिख के आ जाएंगे, डेफिनेटली इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इतना तो मैंने आपको समझा ही रखा है, आप एक बार वीडियो देखिए तब आपको समझ आ जाएगा मैं सच बोल रही हूँ कि गलत, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आप सोशलाइजेशन पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना भला नहीं दूसरों का भी भला देखो, ठीक है ना। मैं आगे निकली तो क्या हुआ, अपने साथ 10 लोग आगे निकली, तभी तो समाज हमारा आगे डेवलप करेगा ना, ठीक है। तो शेयर करना और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना, और जल्दी इसके बारे में वीडियो डालूंगी। आई होप आप मैसेज नहीं करेंगे, मैम सोशियोलॉजी की वीडियो बनाओ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबा दो, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहो, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।